Otherwise, you are most welcome again on my YouTube channel, The Life Changing Ideas with Kaushik. And this is English Literature video, as I upload at 7:30 p.m. every day English Literature video, okay, any topic. It can, but it will be related to English Literature at 7:30 p.m. every day. तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपने लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करती है. ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफ स्टडीज़ के बारे में पहले हम जनरल कुछ बातें करेंगे, फिर हम जो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं. और मुझे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये जो है, जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं ऑफ स्टडीज़ से, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, जितने भी आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करने चाहेंगे. ठीक है, एमसीक्यू भी इस पर बना सकता हूँ मैं बाद में, बट फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप इन नोट्स को देखें और अपना एक तरह से इसे आप समराइज़ किया हुआ भी मान सकते हैं और कम टाइम में आप अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं. तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में वीडियो को एक थम्स अप तो बनता है, ठीक है, इतनी मेहनत के बाद. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो टॉपिक का नाम है ऑफ स्टडीज़, ये बैकन ने लिखा हुआ है, और बैकन को हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिकल ट्रेडिशन बेस्ड ऑन द रैशनल एनालिसिस ऑफ डेटा, ओके, ये भी कहा जाता है. और टाइटल ऑफ द एसेज और काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल नाम से इसको जाना जाता है, इन एसेज को. और उन्होंने जो एसेज लिखे थे वो लिखे थे 10, 38 और 58, ये नंबर हैं एसेज के जो उन्होंने लिखे थे. और ये लिखे थे उन्होंने 97, इनके नीचे बस आप 97, 12 याद रखिए, 25 बस इतना याद रखिए, बाकी आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आसानी से इसे एमसीक्यू में कर सकते हैं. बैकन कंसिडर्ड द एसे, उन्होंने अपने जो विचार दिए एसेज के लिए वो क्या थे, व्हाट वर देयर थॉट्स अबाउट एसेज, एज रिक्रिएशन ऑफ माय अदर स्टडीज़, ओके, वट एवर ही हैज स्टडीड ऑलरेडी ही रिक्रिएट हिज ओन आइडियाज थ्रू दैम. तो ये उनका आइडिया था. स्टडीज सर्व्स फॉर, अब देखिए जो स्टडीज़ के काम हैं वो क्या क्या हैं, फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. तो आप देख सकते हैं कि फॉर डिलाइट ही टेल्स दैट इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, सेकेंड फॉर ऑर्नामेंट इन डिस्कर्स, एंड फॉर एबिलिटी जजमेंट, मीन्स आपके पास जजमेंट की एबिलिटी आ जाती है. दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, दीज आर यू नो सेंटेंसेस इन द वर्क इन द एसेज. एबिलिटीज आर कंपेयर टू प्लांट्स, ओके, एबिलिटीज आर कंपेयर टू प्लांट्स. अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेटमेंट्स जो हमको याद रखने हैं. क्राफ्टी मैन कंडेम्स, सिंपल मैन एडमायर, वाइज मैन यूजेज दैट. तो आपको याद रखना है, क्राफ्टी मैन कंडेम्स स्टडी, सिंपल मैन एडमायर्स स्टडी, वाइज मैन यूजेज स्टडी, ओके. एंड नाउ लेट्स गो अहेड, रीड टू वे एंड कंसिडर, रीडिंग मेक इट्स फुल मैन, कॉन्फिडेंस मेक इट्स अ रेडी मैन, एंड राइटिंग मेक इट्स एन एग्जैक्ट मैन. ये पूछा जाता है कि इस तरह से आ जाएगा आपके पास में कि आंसर में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, कि जैसे रीडिंग के बाद आपको तीन ऑप्शन ये दिए जाएंगे, फुल मैन, अ रेडी मैन एंड एन एग्जैक्ट मैन. तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा रीडिंग मेक्स द फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन. तो पूछा जाएगा व्हाट मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, सो इट इज राइटिंग. व्हाट मेक्स अ रेडी मैन, कॉन्फिडेंस, एंड व्हाट मेक्स अ फुल मैन, इट विल बी रीडिंग. सो यू विल बी गेटिंग योर आइडियाज फ्रॉम हियर. तो अब कुछ और पार्ट देखते हैं इस ऐसे के, कि उन्होंने बताया है कि बाउलिंग इज़ गुड फॉर स्टोन एंड वेन्स. सो इफ़ देयर इज़ यू नो सम प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, फिजिकल प्रॉब्लम, सो यू कैन डू दीज थिंग्स. बाउलिंग इज़ गुड फॉर स्टोन एंड वेन्स, शूटिंग इज़ गुड फॉर लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉक इज़ गुड फॉर स्टमक, एंड राइटिंग इज़ फॉर हेड. सो देयर वॉज वन क्वेश्चन इन यूपी टीजीटी in previous papers, that what was good for head according to Bacon's essays or according to Bacon, okay. So it was, the answer was head, ki head ke liye riding achhi hai, stomach, pet ke liye gentle walk achha hai, aur shooting lungs and breast ke liye achha hai, bowling kiske liye, stone and veins ke liye achha hai. History makes man wise, poet
witty, mathematics, subtle, and means this is about men. History kya banati aadmi ko? Wise men bana deti hai. Poets, witty, aur mathematics, subtle banati aadmi ko. Means insaan choti cheezon ko analyze kar sakta hai. Natural philosophy aadmi ko deep banati hai. Means we can think deeply when we study natural philosophy. Moral jo hai wo grave banati hai. अब क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आप इनको माइंड में रखेंगे तो आप एग्जैक्टली अपने जो एमसीक्यू आपके पास में आएंगे उसे आप एग्जैक्टली देख सकते हैं. बाकी जो डिटेल्ड स्टडी है वो कभी ख़त्म नहीं होती, एग्ज़ाम के बाद भी चलती रहेगी मेरे चैनल पर. मैं आप लोगों को ये जो एसेज हैं, क्योंकि मैंने 400 जो वीडियोज़ समथिंग बनाई हैं वो सारी अभी एग्ज़ाम पर्पज से बनाई हैं, ठीक है. तो अब मैं इसके बाद में सारी डिटेल स्टडीज़ आप लोगों के लिए लाऊंगा, डिटेल वीडियोस ऑन एवरी टॉपिक. लाइक कि ये आपके पास ऑफ स्टडीज़ के बारे में आपको डिटेल टेक्स्ट आपको एनालाइज करके बताया जाएगा उसमें, ठीक है. तो इस तरह की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना. और डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा एक चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर 2019 में मेरी सारी वीडियोस उसी चैनल पर आपको मिलेगी. वो मेरा सेपरेट चैनल होगा इंग्लिश लिटरेचर के लिए, क्योंकि मेरे पास और चीज़ें भी हैं. मेरा जो चैनल है वो काफ़ी हौच-पौच हो गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल ली हैं, पोइट्री और सारी सेक्शन. तो मैं चाहता हूँ कि अब अलग एक चैनल हो इंग्लिश लिटरेचर के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है. तो चलिए फिर से आ जाते हैं स्टडी में. उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. लॉजिक एंड रेटोरिक मेक्स यू एबल टू कंटेंड. ओके, तो इस तरह के आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, तो उन्हें आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए. हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, पोइट विटी, मैथमेटिक्स सबटल, नेचुरल फिलोसफी डीप, मॉरल ग्रेव, एंड लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट. नाउ लेट्स कम टू लेट्स टॉक अबाउट क्योर. कि अगर आपके वॉन्ड्रिंग विट है तो आप मैथ्स सॉल्व कीजिए, तो आपकी वॉन्ड्रिंग विट थोड़ी कंट्रोल्ड हो जाएगी. कहने का मतलब आपका चंचल अगर दिमाग हो रहा है, सो यू कैन स्टडी मैथ्स एंड देन यू विल बी क्योरिंग योर ब्रेन. डिस्टिंग्विश लैक ऑफ डिस्टिंग्विश स्कूल मैन, देन बीट अराउंड द मैटर लॉ, यू कैन स्टडी लॉ. एंड फ्रॉम सम बुक्स ही सेज दैट इग्नोर एडवाइज, इग्नोर कम्प्लीटली एंड सम आर्ट विच यू एंड डाइजेस्ट. सो दीज आर द टॉपिक्स आई क्लियर्ड इन दिस वीडियो. कि आप लोगों को ये जो, और अगर आप ये पेज, अगर पूरा पेज आप चाहते हैं तो मेरा जो ब्लॉग है kaushikstudy.blogspot.com, वैसे तो आप इसे खुद से अपने हाथों से लिखेंगे तो आप लोगों को एक बार कम से कम ये फील होगा कि यार इस वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगा होगा, और पूरा जो ऑफ स्टडीज़ है उसको पूरा पढ़ने में टाइम लगा होगा, इसलिए